हाँ जी, कैसे हैं आप? खुश? चलिए खुश करें, थोड़ा सा पंजाबी गाना सुनाऊं कुछ आपको पहले? चन तो सोनिया सजना तेनू तकने नू, ओ असी फेर बहाने घड़िए जितों तू लंघे। मूड अच्छा करने के लिए ये भी जरूरी है कभी कभी। हाँ जी, आप पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी ब्यूटी की और हेल्थ की, अच्छी हेल्थ की, के लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के जरिए अच्छी आकर्षक लुक्स, अच्छा चेहरा मोहरा और अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी बॉडी कैसे पाई जाए, निरोगी शरीर कैसे पाया जाए। तो मैंने आपसे वादा किया था कि कुछ मैं आपको कीवर्ड्स लिखवाऊंगा, तो मैंने कुछ कीवर्ड्स ये पेपर के ऊपर तैयार किए हैं, लिखे हैं, जो कि आप अपने जर्नल में लिख सकते हैं। ये वीडियो के साथ साथ में भी मैं एडिट करके ऐसा लिखूंगा कि ये कीवर्ड है, तो आप रोक के देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लंबा वहाँ पे एक इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि जो जो कीवर्ड्स हैं वहाँ पे भी लिख देंगे, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपने सबसे पहले क्या लिखना है। टोटल हेल्थ, टोटल मतलब संपूर्ण हेल्थ, है ना? तो क्या बोलेंगे? परफेक्ट टोटल हेल्थ, ये लिख लीजिए। परफेक्ट टोटल हेल्थ, अमेजिंग टोटल हेल्थ। नेक्स्ट लिखिए डेली एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज। देखिए सिर्फ लिखना ही है, मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करवा रहा आपके आपसे यहाँ पे। मैं ये नहीं अभी आपको बोलूँगा कि ग्राउंड के चार चक्कर मार के आइए। बहुत से लोग होंगे जो बेड रिडन होंगे, बहुत से लोग होंगे जिनकी उम्र काफ़ी होगी, तो बोले यार ये वीडियो में क्या बात कर रहे हैं एक्सरसाइज की, हाँ एक्सरसाइज करने के हम लायक हैं या नहीं। मैंने सिर्फ आपको लिखने को कहा है, लिखने में कोई आपका टैक्स नहीं लगता, कोई आपका कुछ भी खर्चा नहीं होता, आप लिखिए। तो आपने क्या करना है, केवल लिख लेना है कि डेली एक्सरसाइज, जी हाँ रोजाना एक्सरसाइज, बस इतना लिखना है, रोजाना एक्सरसाइज, सिंपल शब्द है, राइट? तो इसके आगे लिखिए गुड फूड, अच्छा भोजन। इतना सा लिखेंगे ना अच्छा भोजन, सब काम आगे का खुद ही हो जाएगा, समझना। आपने कुछ करना नहीं है, दिमाग से बहुत से आपके सवाल आएंगे कि यार अच्छा भोजन ये खाने को बोल रहा है या जब पकाने को बोल रहा है या खरीदने को बोल रहा है, कुछ भी नहीं मैंने बोला, प्लीज ओनली लिखने को बोला है अच्छा भोजन। यहाँ पे क्या होगा ना, जो भी आप लिखेंगे, जो भी मन में जाएगा वही तथास्तु तो हो जाएगा, वो आपकी चिंता नहीं है कि कैसे आता है, कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से आएंगे, चबाएगा कौन, पचाएगा कौन, वो आपका हेडेक नहीं है, ठीक है? तो अभी मैं बार बार नहीं बोलूंगा आपसे, बहुत बार बोल दिया मैंने आपको, तो केवल लिखने हैं ये वर्ड्स, गुड फूड। आगे लिखिए कंप्लीट स्लीप, और क्या चाहिए, टोटल स्लीप, अच्छी नींद, कुछ भी लिख सकते हैं, कंप्लीट स्लीप, अच्छी नींद। आगे लिखिए लवली फंटास्टिक आईज, लवली फंटास्टिक आईज, एकदम धमाकेदार आकर्षक आंखें, जबरदस्त आंखें, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? लवली सिल्की हेयर, काले घने लंबे बाल, करते हैं ना एडवर्टाइजमेंट किसी तेल की, काले घने लंबे बाल, कुछ भी ऐसे लिख लेंगे तो भी चलेगा, काले घने लंबे, जो भी आपको जिस तरह के आपको बाल आपके सर के ऊपर अच्छे लगते हैं वो लिखिए, काले घने अच्छे बाल। जिनके बाल चले गए हैं वो भी लिखिए, जिनके बाल जा रहे हैं वो भी लिखिए, जिसने कभी कीमोथेरेपी ले ली, कुछ और हो गया है वो भी लिखिए, किसी के सर के ऊपर कोई चोट आ गई, चोट की वजह से बाल चले गए हैं, कुछ गड़बड़ हो गई है, निशान पड़ गया है, वो भी लिखिए। ये मन से लिखना है, मन के बाल नहीं गए, तन के जा सकते हैं, अभी मन का जादू देखिए क्या होता है, ठीक है? तो लिखिए, सबने लिखना है, काले घने रेशमी बाल, कैसे भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा है यहां पे लवली सिल्की हेयर। आगे लिखिए इजी बिलियन डॉलर स्माइल, क्या बात है, इजी आसान मुस्कुराहट, इजी बिलियन डॉलर, तो मैं मेरी टर्म है ऐसे बोल देता हूँ, आप ऐसे लिख दीजिए इजी बिलियन डॉलर स्माइल, या लिख दीजिए करोड़ों की स्माइल, इंप्रेसिव जेस्चर, खूबसूरत अदा, इंप्रेसिव जेस्चर,
खूबसूरत अदा। लवली स्किन, त्वचा बड़ी प्यारी त्वचा, त्वचा का रंग ऐसा कि सबको अच्छा लगे, खुद को अच्छा लगे, और त्वचा ऐसी मुलायम कि कोई उसमें बीमारी ना हो, कोई उसमें कमी ना हो। फैंटास्टिक स्किन, कुछ भी लिख सकते हैं, लवली स्किन, प्यारी त्वचा, मैंने ऐसे लिखा। आगे लिखिए स्लिम स्ट्रॉन्ग एक्टिव बॉडी, दुबला मजबूत फुर्तीला शरीर, स्लिम स्ट्रॉन्ग एक्टिव बॉडी, एक्सेलेंट स्टेमिना, जबरदस्त आपका स्टेमिना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेलेंट, एक्सेलेंट स्टेमिना। फंटास्टिक सेक्सुअल हेल्थ, जो सेक्स की आपकी हेल्थ है उसमें भी कोई कमी नहीं है, वो भी एक आनंद है, राइट? वो कैसा चाहिए? नंबर वन, मेल फीमेल को, दोनों को, है ना? तो लिखिए फंटास्टिक सेक्सुअल हेल्थ। अभी इसमें किसी से पूछना नहीं है, कोई राय नहीं लेनी, आपके मन में, राइट? आपके इमोशंस, आपका मन, आपकी रूह, आपका शरीर, जो भी जैसा भी सेक्सुअल एन्जॉयमेंट चाहता है वैसा लिखिए। जब आप ये लिखेंगे आपकी भावनामा में वो आनंद आ जाना चाहिए इमेजिनेशन में आपके। तो लिखिए फंटास्टिक सेक्सुअल हेल्थ। बस ये कुछ मैंने कीवर्ड आपको लिखाए हैं, इसमें से आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहें तो। इनको आपने दोहराना है सुबह शाम या जब भी टाइम मिले। एक एक के ऊपर अगर आप अटक गए, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था अच्छा भोजन, अभी आप अच्छे भोजन के बारे में सोच रहे हैं, उसके आप अच्छे भोजन के साथ ही आप इमेजिन कीजिए कि भोजन फर्स्ट क्लास भोजन हो, आपके सपनों का भोजन कौन सा है, राइट? उसमें अगर आप उसमें अटक गए, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, कोई टाइम लिमिट नहीं है। आधे पढ़ेंगे तो भी ठीक है, पूरे पढ़ेंगे तो भी ठीक है, कुछ और ऐड कर देंगे तो भी ठीक है, सब कुछ चलता है, लेकिन करिए, कीजिए इसको, ये इम्पोर्टेंट है। और ये खूब सारा बहुत रंग लाते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट लाते हैं अगर सोने के टाइम किए जाएं। सोने के टाइम इनको पढ़ना है, इनका चिंतन करना है, खेलना है इनके साथ, इंटरेस्ट के साथ, इसको कोई होमवर्क समझ के नहीं करना, इनको मज़े लेके, खेल समझ के करना है इनके साथ। इसकी आगे फिर इनकी प्रगति देखिए कैसे होती है। तो जैसे जैसे आप सोचेंगे इनमें से, वैसे वैसे आप बनते जाएंगे। ये मैं नहीं कहता, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। तो इनको ऐसे मैनिफेस्ट करना है, मन में बसाना है। आप पढ़ने लग जाएंगे इनको, खुद ही बस जाएंगे आप। ये बड़ी बड़ी टर्म्स के पीछे मत जाइए कि मेडिटेट करना है, मैनिफेस्ट करना है, कि ये करना वो करना, सबकॉन्शियस माइंड, ये माइंड, चिंता नहीं है कुछ भी, भोले भाव मिले रघुराया, ठीक है? तो जो लोग सिंपली मान लेते हैं उनको सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि वो जटिल नहीं होते, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। तो आप इनको आराम से श्रद्धा के साथ अपने मन से, क्योंकि आपको चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है? ठीक है, तो खुद के लिए करने हैं, ठीक है? तो इनको पढ़िए, देखिए फिर क्या होता है। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।